मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? क्यों योगी की तारीफ करने लगे मौर्य? योगी के आगे केशव प्रसाद मौर्य का सरेंडर। केशव मौर्य के यू टर्न की कहानी क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, सीएम के लिए अपना सर्टिफिकेट जारी किया, मानो हृदय परिवर्तन हो गया। उधर अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ को लपक लिया, बोले इस तारीफ के पीछे की कहानी कुछ और है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे दो मिनट में। पहले जुबानी जंग हुई, फिर मामला सोशल मीडिया तक पहुंच गया। अखिलेश यादव ने तंज कसा, बाकायदा केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर सियासी बंदूक रखी और निशाना साध दिया। एक तीर से दो निशाने लगाते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोई उप डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो दो मुख्यमंत्री की क्या जरूरत पड़ती? इसका मतलब या तो वो सही काम नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी दो बेकाम है, नाकाम है, और उनका काम दरबारी चरण की तरह करना बस स्तुतिगान है। अगर उप सच में उपयोगी होते हैं तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप? अखिलेश ने जवाब मांगा तो केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए पलटवार किया। मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस को कभी जड़ से उखाड़ने का दम भरने वाले लालू और मुलायम परिवार आज दोनों खुद ही कांग्रेस के बैसाखी बन चुके हैं। पिछड़ा वर्ग की राजनीति का दम भरने वाले ये दोनों परिवार उस कथित गांधी परिवार के पिछलग्गू बने हुए हैं जिसने दशकों तक पिछड़ों का खून चूसा। जब से यूपी बीजेपी में अंदरखाने संगठन बनाम सरकार की जंग शुरू हुई है, तभी से अखिलेश यादव बीजेपी के घरेलू झगड़े पर खटाखट बयान दे रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम का नाम लिए बगैर मानसून ऑफर का पासा फेंक चुके हैं। मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है, तो विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगाए कि कोई बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, तो अगर उस पर बैठने के लिए अगर हम कोई ऑफर दें, आश्वासन दें, सवाल ये कि वो कितना खुद ताकतवर है। वैसे यूपी बीजेपी के अंदर खाने धुआं उठ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आग तो चल रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम भले ही आज योगी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन चंद दिन पहले एक कार्यक्रम में सीएम योगी के आते ही केशव प्रसाद मौर्य मंच छोड़कर चले गए थे। यहाँ तक कि योगी ने जब प्रयागराज मंडल के जन प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी, तब केशव प्रसाद मौर्य बैठक में नहीं पहुँचे थे। और तो और, संगठन बनाम सरकार की जंग केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ही शुरू हुई। मुमकिन है तमाम कोशिश के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य को कामयाबी नहीं मिली तो यू टर्न लेना पड़ा, योगी की तारीफ करनी पड़ी, योगी के सामने सरेंडर करना पड़ा। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठ प्रदेश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने गया, संगठन सरकार से बड़ा है। क्या 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते केशव प्रसाद मौर्य के सुर बदले हुए हैं, या टॉप लीडरशिप ने केशव मौर्य को सीज फायर के लिए मजबूर किया है? हालांकि विपक्ष मौर्य के यू टर्न को उपचुनाव से जोड़कर देख रहा है। देखिए, इसके पीछे पूरी तरीके से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सब राजनीतिक फायदा लेने का केवल ये सब कारण है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि केशव मौर्य जी जो चुनाव हारे उसमें किसकी भूमिका थी, क्या थी, पूरी तरीके से वो जो है पूरी तरीके से केशव मौर्य उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे।
ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव का डर है। लोकसभा में जो बुरी तरीके से ये लोग हारे हैं, अभी आप सामने उपचुनाव हो रहा है, ये सब खेल उपचुनाव तक का है। कृपा पात्र मुख्यमंत्री हारे हुए उप मुख्यमंत्री हैं, हारे हुए उप मुख्यमंत्री हैं। अभी कौशाम्बी जो इनका इलाका माना जाता है, वहाँ से लोकसभा का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा, बाकी पूरे प्रदेश में घूमते रहे हैं। तो कृपा पात्र में कहूँ यही माना जाएगा, जिसका जनाधार न हो वो किसी की कृपा पर ही जीता है। ये तो केशव मौर्य जी बताएं कि कल तक संगठन उनके लिए प्राथमिकता थी, कल तक तो वो अपने विचार रख रहे थे अलग, अब दिल्ली ने क्या चूड़ी टाइट की है या उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है इस पर तो वो बताएं। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला, इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री बता के ये साबित कर दिया कि या तो कल वो गलत थे या आज गलत। विपक्ष की माने तो यूपी बीजेपी में फिलहाल उपचुनाव होने तक अस्थायी तौर पर झगड़ा थम गया है। आग सुलग रही है जो 2027 तक जलती रहेगी। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? श्री अखिलेश यादव जी जो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, गुंडों अपराधियों का संरक्षण करते हैं, तुष्टिकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं, वो कभी पिछड़ों का भला चाहेंगे? पिछड़ों के, दलितों के जन्मजात दुश्मन अगर मैं कहूँ तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। और वह जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनके बयान का जवाब देने के लिए मैंने वह बात कही। वैसे 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की साख भी दांव पर है। ऐसा क्यों, पहले ये समझिए। अयोध्या के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथ में ली है। मतलब 2027 से पहले योगी ने सबसे बड़ी चुनौती से गुजरने का टास्क अपने हाथ में लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे फूलपुर और मझमा सीट, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल की सीट जिताने का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मीरापुर और कुंदरकी विधानसभा सीट पर अपनी ताकत दिखानी होगी। बड़ी बात यह है कि उपचुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा मौर्य की है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। वहीं लोकसभा में अपने गृह जनपद में बीजेपी को जीत दिलाने में नाकाम रहे, यानी चुनाव की कसौटी पर केशव प्रसाद मौर्य का स्ट्राइक रेट बहुत खराब है। तो क्या चुनाव से पहले सरेंडर करके केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी कुर्सी बचाने का इंतजाम कर लिया है? आज तक ब्यूरो।